स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। गोपी चल सामान की सूची बता। सामान की सूची? हाँ सूची, वही सामान जिसकी तुझे जरूरत है बोल। लेकिन राशिबेन मुझे किसी सामान की जरूरत नहीं। हाँ वैसे भी तुझे इतनी भारी साड़ी जो मिल चुकी है, तुझे और किसी चीज की क्या जरूरत होगी। चल अब जल्दी लिस्ट बता बोल। अरे हाँ राशिबेन, रसोड़े में काफी सामान खत्म हो गया है। अब लिखिए 5 लीटर सिंगदाने का तेल, 1 किलो रुक लिखने तो दे। सिंगाड़े का तेल, और हाँ चिराग काका और पापा जी के लिए बादाम, सवेरे सवेरे खाते हैं ना। और थोड़ी सी फल जो आपको ठीक है। बस बस, ये तेरी महीने की लिस्ट है या किंजल की शादी की लिस्ट है? अरे नहीं राशिबेन, इतना सामान तो हमारे परिवार के लिए लगता ही है। समझ गई मेरी माँ, ठीक है बता। उमंग, तीज का व्रत मैंने तुम्हारे लिए रखा है। सुबह से मैंने मुंह में पानी की एक बूंद तक नहीं डाली। अब तुम समझ ही सकते हो कि मैं हमारे रिश्ते को लेके कितनी गंभीर हूँ। मैं इसे खत्म नहीं करना चाहती, बचाना चाहती हूँ। उमंग प्लीज कुछ करो, इससे पहले कि माँ मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दे। तुम फिक्र मत करो किंजल, हम साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, क्योंकि तुम जितना प्यार मुझसे करती हो उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ओके? लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। उमंग मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ननद जी, आपका चेहरा तो एकदम ही सफेद पड़ गया, लगता है उपास की कमजोरी होगी है ना। जाओ जाओ यहाँ से, निकलो मेरे रूम से। मैं तुम्हें यहाँ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ वो तो है, क्या है ना, मैं आपके और उस किसी के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ ना, जिसको आपको थोड़ी देर बाद फोन करना है अकेले में। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको महीने में जो भी चीजें लगती है उसकी मैं सूची बना रही हूँ। वो क्या है ना, बाहर से मंगवानी है, इसीलिए बताइए क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लिखिए। लेकिन कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे तो बहुत कुछ चाहिए। लिखिए राशि मोदी की सामानों की सूची। लिखिए लिखिए। किंजल बेन, आपको आपको उस उमंग को भी तो फोन करना है ना। लिखिए लिखिए 3 परफ्यूम बॉटल्स इंपोर्टेड, फिर बॉडी लोशन, एक फेस मास्क जो जो अभी नया है ना, जिसकी टीवी पे एड चल रही है वो, फिर
हाँ हाँ 5 मिनट में पहुंचू छू। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, मुझे पता नहीं कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा भी या नहीं, लेकिन मेरे पास एक चटपटी खबर है। अच्छा? हाँ, आपको रेस्टोरेंट में वो किंजल और एक लड़का याद है, हमने देखा था? हाँ। तो किंजल और उस लड़के का कुछ सॉलिड लफड़ा चल रहा है। हाय हाय, एम शू। हाँ, उसका नाम उमंग है, उमंग। अब देखिए ना, एक तरफ ये प्रेम कहानी और दूसरी तरफ अंकलेश्वर के मेहता फैमिली का रिश्ता। और आपको पता है, काकी जी ने तो बात आगे बढ़ाने के लिए कल उन्हें घर भी बुलाया है। मम्मी, अब आप ही सोचिए ना, किसी तरह इस उमंग का पता लगाया जा सके तो इस प्रेम कहानी में एक कमाल का पेंच पड़ सकता है। काकड़ी ने तुझे बताया कि वो लोग आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने तो काकी जी को मणि से बात करते हुए सुना था। मम्मी, अब आप ही कोई कमाल की कलाकारी सोचिए ना। अच्छा अच्छा, मिलके बात करते हैं। जय श्री कृष्णा। ठीक है। काकी जी, आप? मेरा मतलब है आप कब आए? ठीक उसी वक्त जब तुम काम के समय अपनी माँ से फोन पर गप्पे मार रही थी। नहीं काकी जी, वो क्या है ना, मैं मम्मी को तीज की बधाइयां दे रही थी बस। फोन पर क्यों? अपनी बेटी की पहली तीज है तो वो आशीर्वाद देने नहीं आएंगी? तबियत पानी तो ठीक है ना उर्मिला बेन की? हाँ हाँ, तबियत एकदम ठीक है, लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं राशि। मारी बात ध्यान थी सांभर जे। दिन भर अपनी माँ से फोन पर बातचीत करती रहती हो, जब लंबा चौड़ा बिल आएगा तो सब लोग तुम्ही से पूछेंगे, क्योंकि हिसाब रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखना, पूरे दिन में सिर्फ एक बार तुम अपनी माँ से फोन पर बात करोगी, बस, आगे कोई बहस नहीं, समझी गई? जी। जय श्री कृष्णा। यहां तुम अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, फोन रखा नहीं कि तुम्हारी माँ प्रगट। कैसी हो? मजे में। ठीक है ठीक है। आप कैसी है मामी? मजे में। और मामा जी? अब तेरे मामा के बारे में मैं क्या बताऊं? बस वो तो हमेशा की तरह बस ठीक ही है। लेकिन तुम दोनों दिक्रियों को बहुत याद करते हैं। जय श्री कृष्ण मेवान जी। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन, कैसी हैं आप? मजा मा, बैठिए ना। वैसे आज तो आपका व्रत होगा? हाँ हाँ, व्रत है ना। चलो तो फिर खाने पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। गोपी वो रसोड़े में जाओ और मिठाई का एक डिब्बा लाकर तुम्हारी मामी के सामने रख दो। आपका जब व्रत खुलेगा तो मिठाई खा लीजिएगा, बराबर ने? हाँ। जाओ गोपी वो। जी माँ जी। अरे विवान जी, आपको पता है ना, आपकी बेटी राशि ने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। चाबी का गुच्छा मिला तो जिम्मेदारी तो आएगी उसके साथ, आपको तो पता ही होगा। अब राशि दिन भर आपके साथ फोन पर बातें करती रहती है। अब हर छींकने खांसने की छोटी छोटी बातें सारी आप तक पहुंचाती है, तो इतनी बड़ी खबर भी तो उसने आपको फोन पर
दी होगी ना, सच कह रही हूँ ना उर्मिला बहन। अब देखिए ना राशि को, हर वक्त कुछ न कुछ काम के बारे में ही सोचती रहती है। राशि, तुम अभी भी यही सोच रही हो ना कि घर के सारे पर्दे जो धुलकर आए हैं उसे चढ़ा दूं? हाँ हाँ काकी जी। देखा आपने, ठीक है जाओ मेरे कमरे में मेरे पलंग पर ना वो धुले हुए पर्दे रखे, सब लगा दो। अब हाँ, अब मैं अभी मणि से कह। क्यों मणि से क्यों? मेरा मतलब मणि रसोड़े के काम में व्यस्त है। एक काम करो, तुम रसोड़े का काम कर लो और मणि से कह दो कि वो पर्दे चढ़ा दे। ये बात भी ठीक ही है ना राशि? अब नहीं नहीं काकी जी, इसकी क्या जरूरत है? वो मणि जो अपना काम करिए उसे करने दीजिए, मैं हूं ना, मैं घर के सारे पर्दे लगा दूंगी। कर दोगी ना? जी मम्मी, मैं अभी आई। बैठिए ना। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी आपकी बेटी राशि खाने की बड़ी शौकीन है ना? हाँ। पर ऐसा क्यों कि रसोड़े से घबराती है? मतलब क्या बचपन से ही वो ऐसी है? नहीं नहीं तो। या फिर आपने उसे रसोई बनाना नहीं सिखाया है? नहीं नहीं, उसे तो खाना बनाने का बड़ा शौक है। ओ ये कागड़ी भी क्या काम करा देती है। जिगर जी होते तो मेरी मदद तो करते। संभल के गिर जाएगी। कहां चढ़ गई तू? कब से तुझसे बात करने के लिए बेचैन हुए जा रही हूं और तू है कि बस काम ही किए जा रही है। अरे बे मिनट हाथ रोक के बात तो कर ले, बाथरूम का बहाना करके आई हूं मैं। मम्मी अगर कागड़ी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ? इस कागड़ी ने चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में थमा के जिम्मेदारी नाम की चक्की में मुझे पीसे जा रही है। बस रोज इसी तरह मुझे रोज नचाती रहती है। आप जाइए, अगर कांगड़ी ने देख लिया ना तो यहाँ आके मुझ पर ही चिल्लाएंगी। देखिए मैं ये काम खत्म करके आती हूँ। हाँ आप जाइए। ठीक है जरा संभल के। हाँ अरे उर्मिला बहन कहाँ रह गई थी आप? बस मैं बाथरूम में ही गई थी। बैठिए ना। हाँ कितनी देर लगा दी, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। बाथरूम ही गई थी या कहीं और? हाँ मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मंदिर में पूजा की सारी तैयारियां हो गई है या नहीं ये देखकर। अब आप यहीं बैठिएगा। हाँ गई काकड़ी। मामी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तू तीज मना रही है और वहां मेरी बेटी काम कर कर के मरे जा रही है। नहीं मामी मैं बस राशि बहन की मदद करने जा ही रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। अब आप जरा पधारी। एक मिनट गोपी बहू, कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारी मामी इतने दिनों बाद यहाँ हमारे घर आई है तो बैठकर बातचीत करो। अब क्या है ना, तुम्हारी बहन राशि तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत व्यस्त है।
तुमने सारे काम खत्म कर दिए राशि? हाँ काकी जी, मैंने सारे पर्दे लगा दिए। चद्दरें? वो नहीं बिछाई? अरे रह गया ना वो एक काम, अब पर्दे के साथ साथ ही तो मैंने चद्दरें रखी थी। मैंने तुम्हें चद्दरें बिछाने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे ये लगा कि कितनी जिम्मेदार हो तुम। अब क्या करें? कौन बिछाएगा चद्दरें? काकी जी, मैं कर लूंगी। शाबाश, अब अच्छे से काम कर लेना। अब त्योहार का दिन है ना, एक बार सारे काम निपटा दो, उसके बाद आराम से अपनी माँ के साथ बैठकर बातचीत करना। चलो तो अब काम पता हो जी। ओ डाई दिख रही छे तमारी। हाँ। बैठिए ना। हाँ, हाँ। हम गप्पे मारते हैं। हाँ। मेरा बस चले तो मैं इस कागड़ी को तो ना मम्मी से फोन से बात करने देती, ना दो मिनट उनके साथ शांति से बैठने देती, और ऊपर से ये व्रत, भूख के मारे तो मेरी हालत खराब हो रही। फाड़ में गई है चद्दर। राशिबेन, मैं आपी की मदद करूं? मदद नहीं, वो पूरा काम करेगी, समझी महारानी? और ये जब खत्म हो जाएगा तब मुझे बता देना, मैं तब तक आराम करूंगी, समझी? गोपी, वैसे काकी जी कहाँ है? माँ जी तो रसोड़े में। अच्छा ठीक है, अब तू ये जल्दी काम खत्म कर, मैं आती हूँ। आज तीज के त्योहार पर जब मैं पार्वती जी की पूजा करूंगी तो क्या मेरे शिव जी यानी कि मेरे पति बदल जाएंगे? क्या आज मैं उनकी आंखों में वो प्रेम देख पाऊंगी जो शिव जी में पार्वती जी के लिए है? क्या आज तीज माता मेरी मनोकामना पूरी करेंगी? क्या कभी वो दिन आएगा जब मेरे पति मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारेंगे? रिश्ता वही बात नहीं।